हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और उनका नाम है आफरीन अंजुम। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि लेटर जी का आवाज कभी ज और कभी ग होता है, तो इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन होती है। कैसे समझें कि लेटर जी का आवाज कब ज होगा और कब ग होगा? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जी लेटर का साउंड बताऊंगा, ताकि अगर आप जी लेटर के साउंड में कंफ्यूज रहते हैं तो आपकी कंफ्यूजन खत्म हो सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब जी के बाद ई आई वाई हो तो जी का आवाज या उच्चारण ज होता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। यहां पर मैंने जी लिखा है और जी के बाद आया है ई। तो फ्रेंड्स, जब जी के बाद ई आता है तो जी का आवाज ज होता है। इसे हम कहते हैं एज। आप यहां देखें फ्रेंड्स, यहां पर मैंने जी लिखा है और जी के बाद आया है आई, इसलिए इसे हम कहेंगे जिस्ट। यहां मैंने जी लिखा है और जी के बाद आया है वाई। तो जब जी के बाद ई आई वाई तीनों में से कोई हो तो जी का आवाज ज होता है। इसे हम कहते हैं जिमनास्ट। आप देख सकते हैं यहां मैंने जी लिखा है और जी के बाद आया है ई, इसलिए हम इसे कहेंगे जेंडर। इसे हम कहेंगे जर्म। क्यों? क्योंकि जी आया है और जी के बाद यहां आया है ई। इसे हम कहते हैं जेंटलमैन। क्यों? क्योंकि यहां पर जी आया है और जी के बाद ई आया है। इसे हम कहते हैं जिंजर। क्यों? क्योंकि यहां पर जी आया है और उसके बाद आई आया हुआ है। यहां पर भी जी आया है और जी के बाद ई आया है। यहां गौर करें, यहां जी है और जी के बाद ई है, इसलिए हम कहेंगे जल। और यहां जी आया हुआ है और जी के बाद ई है, तो हम कहेंगे चेंज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आया कि जब लेटर जी के बाद ई आई वाई तीनों में से कोई रहे तो जी का आवाज ज होता है। फ्रेंड्स, अभी हमने सीखा कि जब जी के बाद ई आई वाई तीनों में से कोई हो तो जी का आवाज ज होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस नियम के एक्सेप्शन हैं, यानी इस नियम के अपवाद हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, हर नियम के अपवाद होते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां जी के बाद ई आई या वाई आता है लेकिन जी का आवाज ज नहीं होता है, बल्कि जी का आवाज ग होता है। इस बात को हमें केयरफुली समझना होगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहां पर जी आया है और जी के बाद आया है आई। तो अगर हम रूल की माने तो ये होना चाहिए बीजिंग, लेकिन यह एक एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। यहां जी का आवाज ग होता है, इसे हम कहेंगे बिगिन। यह है गेयर, यह है हंगर। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जी के बाद ई आया है, फिर भी हम जी का आवाज यहां ज नहीं बल्कि ग करेंगे। इसे हम कहते हैं गीव। इसे हम कहते हैं फिंगर, लिंगा, गिव, जीगल, गर्ल, गेट, गिर्थ, टारगेट। तो फ्रेंड्स, इन सभी वर्ड्स को आप खास तौर पे याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और इनमें से कोई एक वर्ड बोलकर कहते हैं कि यहां जी का आवाज क्या होगा। फ्रेंड्स, जब जी के बाद ए ओ यू या कोई व्यंजन हो तो जी का आवाज ग होता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, यहां जी आया है और जी के बाद आया है यू, तो यहां जी का आवाज ग होगा। हम इसे कहते हैं गन। आप देख सकते हैं यहां पर जी आया है और जी के बाद एक व्यंजन आया है, यानी एक कॉन्सोनेंट आया है। तो इस कंडीशन में जब जी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो जी का आवाज ग होता है। हम इसे कहते हैं मिंगल। आप देख सकते हैं यहां पर जी मैंने लिखा हुआ है और जी के बाद ए आया है, तो जब जी के बाद ए आए तो जी का आवाज ग होता है। इसे हम कहते हैं मेगा। यहां देखिए, जी के बाद ए आया हुआ है, इसलिए हम कहेंगे गैंग। यहां जी के बाद ए आया हुआ है, इसलिए हम कहेंगे गैदर। यहां जी के बाद एक कॉन्सोनेंट आया हुआ है, इसलिए जी का आवाज होगा ग। क्यों? क्योंकि जब जी के बाद कोई व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट आता है तो जी का आवाज ग होता है। यहां जी के बाद आया है ए, इसलिए हम इसे कहेंगे गैप। यहां जी के बाद आया है ए, इसलिए हम इसे कहेंगे गार्डन। यहां जी के बाद आया है ए, इसलिए हम कहेंगे गैज। यहां जी के बाद आया है आर, यानी एक कॉन्सोनेंट, इसलिए यहां जी का साउंड ग होगा।
यह जी के बाद आया है यू, इसलिए हम जी का आवाज ग करेंगे, हम कहेंगे गल्फ। यह जी के बाद ओ आया हुआ है तो इसलिए यहां जी का आवाज होगा ग, हम कहेंगे गोल्ड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यह कंसेप्ट आपको बड़े आसानी से समझ में आ रहा है कि जब लेटर जी के बाद ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो तो लेटर जी का आवाज ग होता है। फ्रेंड्स, डबल जी का आवाज हमेशा ग होता है, जैसे डैगर, स्वैगर, रैग्ड, ट्रिगर। तो जब कहीं डबल जी आया हो तो आप बिना लेट किए डबल जी का आवाज ग बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई में आपको यह लेसन समझ में आया तो फिर आप मेरे दो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन दोनों वर्ड्स का क्या आवाज है, यानी यहाँ जी का क्या आवाज है। और आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक यहाँ पर जी आया हुआ है, फिर डबल जी आया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसका क्या आवाज है। आंसर जरूर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप शानदार तरीके से अंग्रेजी बोलकर किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आपका प्रोनंसिएशन शानदार होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी बात को नजर में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लेटर सी का करेक्ट उच्चारण, यानी लेटर सी का क्या आवाज होता है। फ्रेंड्स, लेटर सी का आवाज कभी स और कभी क होता है। अब इसका एक तरीका है जो आपको जानना होगा कि कब स और कब क। आइए इसे एक एक करके देखते हैं। जब सी के बाद ई आई वाई हो तो सी का आवाज स होता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां मैंने सी लिखा हुआ है और सी के बाद ई आया हुआ है। तो ऐसा कंडीशन जहां कहीं सी लिखा हो और सी के बाद ई आया हो, या आई आया हो या वाई आया हो, तो इस सूरत में सी का आवाज स होगा। हम इसे कहते हैं सेल। आप यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर सी आया हुआ है और सी के बाद ई आया है, इसलिए हम इसे कहते हैं बैलेंस। इसे हम फैंसी कहते हैं क्योंकि यहां पर आप सी देख सकते हैं और सी के बाद वाई आया है। तो जब ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कहीं सी लिखा हो और सी के बाद वाई आया हो तो सी का आवाज स होता है। ये है सेंटर, ये है सर्टन, क्यों? क्योंकि सी के बाद ई आया हुआ है। ये है सिटी, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां सी आया हुआ है और यहां सी के बाद आई आया हुआ है। तो जब कहीं सी लिखा हो और सी के बाद आई हो तो सी का आवाज स होता है। डिवाइस, प्राइस, साइकिल, सर्कल, सिटीजन, पॉलिसी, ग्लैंस। तो फ्रेंड्स, इन सभी वर्ड्स में सी का आवाज स है क्योंकि सी के बाद ई आई वाई आया है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह बात समझ में आया है कि अगर कहीं सी लिखा है और सी के बाद ई आई वाई, इन तीनों में से कोई हो तो सी का आवाज स होगा। आइए अगला रूल देखते हैं। फ्रेंड्स, जब सी के बाद ए ओ यू या कोई व्यंजन यानी कोई कॉन्सोनेंट हो तो सी का उच्चारण क होता है। यानी अगर सी के बाद ए ओ यू हो या फिर कोई कॉन्सोनेंट हो तो सी का आवाज क होता है। जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर सी आया है और सी के बाद ए आया है, तो इस सी का आवाज होगा क, हम इसे कहते हैं कैट। यहां देख सकते हैं सी आया है और सी के बाद ओ आया है, तो यहां सी का आवाज होगा क, हम इसे कहते हैं कॉट। यहां देखिए सी आया है और सी के बाद यू आया है, तो जब सी के बाद ए ओ यू आए तो सी का आवाज होता है क, इसे कहते हैं कट। यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, सी आया है और सी के बाद एक कॉन्सोनेंट यानी एक व्यंजन आया है, तो यहां सी का आवाज होगा क, इसलिए हम इसे कहते हैं करेब। यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, सी आया है और सी के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है, तो यहां सी का आवाज होगा क, हम इसे कहते हैं कलब। केबल, कॉफिन, क्लियर, कॉल्ट, कर्ब। तो फ्रेंड्स, ये बात आप याद रखेंगे कि अगर कहीं सी लिखा है और सी के बाद ए ओ यू या कोई भी कॉन्सोनेंट आए
तो सी का आवाज क होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, नियम के अपवाद होते हैं, यानी रूल के एक्सेप्शन होते हैं। तो यहां मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा जो एक्सेप्शन है यानी अपवाद है, मतलब जहां रूल फॉलो नहीं होता। फ्रेंड्स, आप यहां गौर करें, मैंने यहां लिखा है फसाद। आप देख सकते हैं यहां पर सी लिखा है और सी के बाद आया है ए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी के बाद अगर ए आए तो सी का आवाज होगा क, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है जहां सी के बाद ए आने के बावजूद भी सी का आवाज क नहीं बल्कि सी का आवाज स है। इसे हम अपवाद या एक्सेप्शन कहते हैं और इसका मतलब होता है इमारत। तो ये बात आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स, कई बार लेटर सी का आवाज श होता है। ऐसा तब होता है फ्रेंड्स जब लेटर सी के बाद आई ए एन या सी के बाद आई ए एल या सी के बाद आई ओ यू एस या सी के बाद आई ई एन टी या सी के बाद ई ए एन या सी के बाद आई ई एन हो। जब लेटर सी के बाद ये सभी लेटर्स आते हैं तो लेटर सी का आवाज श होता है, जैसे एंशंट, सफिशंट, स्पेशल, रेशल, डिफिशियंसी, ग्रेसस, ऑप्टिशन, ऑशन, ब्यूटिशन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इन सभी वर्ड्स में सी आई ई एन टी आया है, यहां सी आई ए एल आया हुआ है, यहां सी आई ई एन यानी सी आई ई एन आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब लेटर सी के बाद ये सभी लेटर्स आए तो वहां लेटर सी का आवाज श होता है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको यह कॉन्सेप्ट बड़े शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।